हाँ, गुड मॉर्निंग जवान। नाश्ता लगाओ राम सिंह। जी सर साहब। ये दूध ऊपर से किचन में क्यों ले जा रहे हो? जी सर साहब, वो हम बाबा के कमरे से लेकर आ रहे हैं। शायद लगता है रात को उन्होंने दूध नहीं पिया। साजन ने रात को दूध नहीं पिया? जी नहीं पिया। शायद एक्सरसाइज भी नहीं की होगी। जी वो हमने देखा तो नहीं, लगता है की होगी। चलो नाश्ता लगाओ, चलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ठहरो, तुमने आज एक्सरसाइज क्यों नहीं की? जी वो की। कितनी? दो पुलअप, एक डंड, आधा बैठक। बहाने बनाने की कोशिश मत करो। राम सिंह हमें सब कुछ बता चुका है। तुझे बोलने की क्या जरूरत थी? बात का जवाब दो। एक्सरसाइज और योगा क्यों नहीं किया? व्हाई नॉट? जी उठने में देर हो गई। उठने में देर क्यों हुई? जी सोया देर से था। देर से सोने की वजह? इसकी सजा जानते हो? यस सर, नो ब्रेकफास्ट। राइट, गो। ये क्या कह रहे हैं आप? आज साजन का कॉलेज में फर्स्ट डे है। सारा दिन भूखा रहेगा क्या? यस। अगर भूखा रहेगा तो इसे याद रहेगा कि एक कर्नल का बेटा है और एक जनरल का पोता है, और अगले साल इसे भी डिफेंस एकेडमी में जाना है, एक मिलिट्री ऑफिसर बनना है। और एक ऐसा आदमी कभी अच्छा ऑफिसर नहीं बन सकता जो रूल्स को तोड़े और डिसिप्लिन की परवाह ना करे। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वुमन? यस। आप अभी तक यहाँ क्यों खड़े? जाइए। कौन कौन? अबे ओ, तेरी इस घर में एंट्री मेरे वजह से हुई है, कभी मेरे लिए तो रुक जाकर। बोल रहे जवान, तू मेरे से बच के रहा? चुगली खोर, मैं कसम। राम सिंह आया जी, आया साहब जी। साजन, साजन, रुक। ये ले, कॉलेज में। थैंक्स माँ, इसकी तो सख्त जरूरत थी। वंदना। आई। ओए, वाह, कितना प्यार करते हैं आपसे। शायद हमारे हिस्से का भी प्यार आती हो गया है। बात हो गया, जाओ भी। Thank you.
जल गया। क्या? एक सैंडविच। सैंडविच? हाँ। सॉरी हाँ। नए हो? हाँ, आज पहला दिन है। होशियार है ना? बड़े हरामी लौंडे हैं इस कॉलेज के। ऐसी खिंचाई करेंगे लंबे हो जाओगे। अच्छा, मेरा नाम सलीम है। प्यार से लोग मुझे टेम्पो कहते हैं। तुम चाहो तो तुम भी कह सकते हो। बस एक बार खाना खिलाना पड़ेगा। हाँ जरूर, लेकिन अब मैं जरा अपनी किताब ले लूँ। हाँ जरूर जरूर। अब क्या है? पढ़ने आयो? इरादा तो यही है। अरे मैं कमिंग सर। मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। सर आज मेरे कॉलेज में पहला दिन है सर। देर से क्यों आए हो? सर वो क्लासरूम ढूंढने में देर होगी सर। चलो बैठ जाओ। ठहरो, खड़े हो जाओ। पहले सारी क्लास को अपना इंट्रो दो। माय नेम इज साजन सूद। हिंदुस्तानी में? हिंदी में। मेरा नाम है साजन सूद। अच्छा, मेरे फादर कर्नल डी एन सूद मिलिट्री के ट्रांसफर पे यहाँ आए हैं। अब तक कहाँ थे? मद्रास में। तो बैंगलोर क्यों नहीं गए? वो तो वहाँ से करीब है। सर यहाँ हमारा अपना घर है। ओके, ये साइको क्लास है। ये बुक लो और पढ़ना शुरू करो। पेज 225, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। हम पहले से ये साबित कर चुके हैं कि बच्चे शिक्षिका को अपनी माँ समझते हैं। ए मम्मी। सर नमस्कार। ये क्या हो रहा है? सर वो कांट टेक योर सीट्स। सिट डाउन एवरीबॉडी। आप स्टूडेंट हैं? ओ यस माय चाइल्ड। हाय बेबी। हाय रिपल। साइलेंस। हाय बेबी। हाय। मेरा नाम राजू, घराना अनाम, बहती है गंगा जहां मेरा धाम। लाइब्रेरी में गाना मना है। अरे यार, गाना गाना मना है, गाना बोलना मना तो नहीं। आपको और कुछ बोलना है? तुम FYJC में हो ना? हाँ, क्यों? मैं भी FYJC में हूँ बेबी। नाइस मीटिंग यू। तुम आ नहीं रहे? कहाँ? शिट यार, तुम्हें ये भी नहीं पता आज क्लाउंस डे है। ये इस कॉलेज की बहुत पुरानी ट्रेडिशन है। आज के दिन स्टूडेंट्स कोई ऐसी हरकत करते हैं जिससे लोग खूब हंसे। सबसे ज्यादा हंसाने वाले को क्लाउंस कैप मिलता है और प्रिंसिपल की तरफ से इनाम भी। चल यार चल। अरे चलना यार चल। अरे चल यार, बहुत मजा आएगा। ये क्या हो रहा है? सब तैयार है ना बेबी? सब तैयार है। ये सब क्या हो रहा है? शिट यार, मैंने बताया ना आज क्लाउंस डे है। इस साल का अवार्ड हम सबको मिलने वाला है। मेरी बिकनी कहाँ है? अंदर है। और इसकी? ए, मैं बिकनी वगैरह नहीं पहनूंगा। अगर नंगे जाओगे तो मारे जाओगे। हा? अरे शिट यार, क्या नाटक कर रहा है तू? चल चल जल्दी पहन ले। विपिल, साले तू इसको क्यों लाया? ये तो नया है, इसको क्या मालूम आज का दिन कितना इम्पोर्टेंट है। अरे इसलिए लाया क्योंकि नया है, अपने साथ रहेगा पुराना हो जाएगा। ए भाई, अब तू अपनी इज्जत का फालूदा करेगा या इसे पहनेगा, बोल। अरे जब हाथी ने पहन लिया है तो चूहा भी पहन लेगा। ले शाबाश, पहन ले। Oh, my God.
चाबी दे दो प्लीज, प्लीज चाबी दो यार, मस्ती मत करो यार प्लीज, अरे चाबी दे दो यार, अरे प्लीज, अरे बुड्ढा टेम्पो रिफिल। आप जल्दी जाइए और पता लगाइए कौन था वो लड़का जो बिकनी पहनकर क्रिकेट खेल रहा था। आजकल बिकनी पहनने का फैशन हो गया क्या? जाइए आप। बिकनी पहनकर ग्राउंड में घुस गया था सर। ओहो, एक ही बात है, आप जाइए और पता लगाइए, जाइए जाइए। यस सर। हेलो, हाँ क्या आपने हाँ। मुझे बुलाया सर? हाँ, मैंने तुमसे पानी मांगा था। सामने रहा सर। ओ थैंक यू थैंक यू। ये पेन भी नहीं चलती। ये लीजिए सर इंपोर्ट। अच्छा अब तुम जा सकते हो, जाओ। तेरी पिकनिक किधर है? हैराम सबके सामने पूछ रहे हो? चुप है बेशरम। ए मेजर, आजा आजा, चाय पी ले, आज तेरे कपड़े नहीं उतारेंगे। आइए। ये भूला है क्या? ए बुड्ढा टेम्पो, शिट यार, वो तो हंसी हंसी की बात में रोने लग गया। क्या बात कर रहा है यार? रिफिल तू एक काम कर यार, साले को पटाके लेके आ, कहीं प्रिंसिपल तक पहुंच गया तो बहुत लफड़ा हो जाएगा यार। हाँ यार, वो भुलक्कर साला पिटाई भी कर सकता है। हाँ। तू जल्दी जा यार, जा यार। ओके बेबी। मेजर मेजर, लगा ली रस्सी से। हाँ सर, इसी कमरे में उसने लटका लिया सर। देखिए ये कहानी अपनी आंखों से देख रहा था यार। दरवाजा तूने शटअप शटअप एवरीबॉडी। शर्मा जी, इन तीनों को मेरे ऑफिस में लेकर आइए। जी। शर्मा लीजिए तुम लोगों को, अपने उस्तादों का मजाक उड़ाते हो। आज की हरकत पर इन तीनों को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए सर। बेहतर है इन तीनों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। लेकिन सर वो कटआउट हम लोगों ने नहीं लगाया था। हाँ, कटआउट की आदत होती है, वो खुद लटक जाता है ना सर। वो नए लड़के की हरकत थी सर। हाँ। कौन नया लड़का? May I come in, sir? क्यों? क्योंकि मैं बाहर हूँ। आप बाहर क्यों हैं? क्योंकि मैं अंदर आना चाहता हूँ। Yes, come in. कल मैंने आपको फोन किया था सर। जी जी जी।
आपने मुझे पहचान लिया सर? जी हाँ, मैंने आपको फौरन पहचान लिया। बैठिए बैठिए, बैठिए ना आप। 40 साल पहले जैसे आप दिख रहे थे, आज भी वैसे ही दिख रहे हैं। मैंने बचपन में आपकी पहली फिल्म देखी थी। अब क्या नाम था उसका? हम दोनों। आपको गलत फहमी हो रही है सर। मैं देवन नहीं, जॉनी, जॉनी मेरा नाम है, आपका पुराना स्टूडेंट। ओ जॉनी, माय एक्स स्टूडेंट। वेयर वर यू माय डियर बॉय? आपकी याददाश्त का भी जवाब नहीं सर। इतने सालों बाद भी आपने मुझे फौरन पहचान लिया। हमारी फैमिली की दो ही चीजें बहुत मशहूर है। एक तो मेमोरी, मतलब याददाश्त। एक बार किसी का चेहरा देख लेते हैं ना, तो उसे कभी नहीं भूलते हैं। और दूसरी बात, आप तीनों यहाँ अभी तक क्यों खड़े हैं? मैंने बोला ना कि छुट्टी बुट्टी नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। जाएं हम लोग? गेट आउट आई से। आ जाते हैं छोटी छोटी बातों पर छुट्टी मांगने के लिए। तो हाँ, आप क्या कह रहे थे? जॉनी वॉकर साहब। जॉनी आपका नाम। हे 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 you
धड़कने वाली हमें तड़पाने वाली ऐसे न जा। गोरे गोरे गालों वाली काले काले बालों वाली रुक सरा। दिल धड़कने वाली हमें तड़पाने वाली ऐसे न जा। रास्ते में यहाँ तू है क्यों खड़ी, देंगे दिल तुझे आजा तुलछड़ी। आजू बाजू आने वाले दाएं बाएं जाने वाले सारे कहते हैं हमें टपोरी टप 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 टपोरी टपोरी टप 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 टपोरी। हाय माता श्री। हाय, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। आज कॉलेज में बहुत मजा आया। कोई दोस्त बने? हाँ, तीन नए दोस्त बने। अच्छा, माँ सर कहाँ है? एक आर्मी मेन एसोसिएशन के प्रोग्राम में गए हैं, आते होंगे फिर से। अरे हाँ, तेरी डिफेंस एकेडमी के फॉर्म्स आ गए हैं, वो कह गए हैं तुझसे भरवा के रख लूं। माँ, मैं आर्मी में क्या करूंगा, मैं उस टाइप का लड़का ही नहीं। ये सब बंदूकें, राइफल्स, गोलियां वगैरह मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। आप सर को समझाती क्यों नहीं? देख बेटा, ये इस घर की परंपरा है। कोई परंपरा नहीं है, ये सर की जिद है। जिद ही सही, मगर तू अच्छी तरह से जानता है जब वो जिद करते हैं उस पर अमल करते हैं। माँ, मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, मेरी भी एक जिद है कि अपना करियर मैं खुद चुनूंगा। अच्छा। हाँ, तुम्हारा करियर सोचा जा चुका है, आर्मी में जाना है तुम्हें, चलो फॉर्म भरो। सर प्लीज आप मेरी बात सुनिए। फॉर्म भरो। सर प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। फॉर्म भरो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरा हुक्म डालो? यू ब्लडी स्टेबल एंड फूल। मैं तुम्हें 48 घंटे की मोहलत देता हूं, 48 आवर्स। अच्छी तरह से सोच लो, अगर तुमने अपनी ये जिद नहीं छोड़ी तो तुम्हें यह घर छोड़ना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए। डू यू अंडरस्टैंड? गेट आउट। कहती हूँ तू बेटा है, उनके बाप के आगे झुक गया तो छोटा पड़ जाएगा क्या? माँ, तू क्या चाहती है? मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू बोल। बोल ना बेटा। चल पट्टी लगा दो। मैंने पहले ही बोला था कि लड़की को नहीं छेड़ने का। क्या मारा है बाप? बहुत मारा यार। हाँ यार। अरे किसी लड़की की ये मजाल की साजन सूद को हाथ लगाए? तो लड़की के बाप ने प्यार का तोहफा दिया होगा। यार, हमारे लाइफ में लड़की नहीं है, अगर हमारे सर को पता चल गया ना तो वो हमारी बहुत पिटाई करेंगे। हाँ, अबे तो तू सपने में क्या देखता है? आर्मी की परेड, लेफ्ट राइट पीछे मुड़। सपने में एक लड़की आती है। कौन? श्रीदेवी। कौन श्रीदेवी? वही यार। नहीं नहीं, थैंक गॉड, नहीं तो अभी झगड़ा हो जाता हा? क्योंकि अपने सपने में तो वही आती है। विद मेकअप, विद मेकअप। बोल ना, तेरे सपने में कौन आती है? बोल। मेरे सपने में एक लड़की आती है। जब मैं उसके करीब जाता हूँ और करीब जाता हूँ और करीब जाता हूँ, चुप यार, तो वो गायब हो जाती है। तेरी की यार बुड्ढा, ये केस अपने को बहुत सीरियस लगता है। कुछ करना पड़ेगा।
कुछ करना तो पड़ेगा यार। कब करोगे? क्या करोगे? ये तो बहुत गलत जगह आ गया यार। चुप रे साले, असली जवान लोग इधर ही चाहते हैं। अगर किसी ने देख लिया तो? अरे तो क्या हुआ, समझेंगे बच्चे लोग जवान हो गए। तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो क्या? यार मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। चलो यार, अगर सर को पता चल गया ना तो बहुत धुलाई करेगा। डरता क्यों है, अपुन है ना तेरे साथ। अरे साहब, 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 अरे सुनिए साहब, अरे साहब, साहब, मेरी बात तो सुनिए। अरे ये तो अभी भी छोटा यार, लेकिन बहुत स्वीट है यार। अरे लेकिन लेकिन मेरे साथ चलिए साहब, जगह बहुत अच्छी है, मजा आ जाएगी। बच्चे लोग को किधर से पकड़ के लेकर आया? बच्चे लोग को खराब किया ना तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। क्या समझा? अरे नहीं नीला भाई, ये बच्चे तो सड़क पर भटक रहे थे, मैं तो इन्हें तुम्हारे पास लाया हूँ सही रास्ता दिखाने के लिए। पहली बार आए हो क्या? नहीं, रोज आता हूँ। आपको क्या लगता है? नहीं बनती और शाणी बनती है। चाकू मार डालेगा तेरे को, समझी? मैं देखता हूँ तू कैसे धंधे पे नहीं बढ़ती है, कब तक नाटक करेगी? हाँ कब तक? चाकू नौली, हे लीला भाई, इस साली का कुछ करना ही पड़ेगा। साली ने नाक में दम कर रखा है। देख अपुन बहुत खींच के लाए, इस साली को तोड़ फोड़ डालेगा अपुन, ईमान से तोड़ फोड़ डालेगा। अरे जग्गू लड़की नहीं है, थोड़ा सबर से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। अरे लड़की जाएगी कहाँ, आज नहीं तो कल धंधे पर बैठ जाएगी। हाँ सब ठीक हो जाएगा यार, तू इतना गरम भाई को होता है। आई आई हर सब आई, आप ही का दरबार है, आप ही का घर है समझी बस। अरे वो लीला भाई आपका ही इंतजार कर रही है, हम लोग कब की आपकी राह देख रहे हैं, घबराइए बताइए तो गुड पीजिए, आनंद आ जाएगा। चलिए आइए आइए।
दोस्त की पार्टी पे जाना है। जरा जल्दी आ जाना। हाँ हाँ माँ, कुछ कुछ पैसे मिलेंगे? कितने? एक नोट से काम चल जाएगा। वो क्या है कि प्रेजेंट वगैरह भी तो देना पड़ेगा ना। प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए? प्यार चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। ले, enjoy yourself. तुम तो परसों भी आए थे ना? लीला बाई, मैंने इससे पहले ही कहा था कि तुम एक बार आए हो तो बार बार आओगे। मैं आदमी छोटा जरूर हूँ, लेकिन छोटी बात कभी नहीं करता। कहा था ना साहब। किसके पास जाओगे? पारो के पास? जाओ। नाम पारो है? आपका नाम पारो है ना? नहीं। फिर क्या है? अगर आपका नाम पारो नहीं है
तो फिर क्या है? क्यों पूछ रहे हो? बस जानने के लिए। अगर नाम भी नहीं मालूम तो जान पहचान कैसे होगी? खैर कोई बात नहीं, पहले मैं बताता हूँ। मेरा नाम है साजन, साजन सूद। मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। तुम पढ़ते हो? हाँ, फर्स्ट ईयर में। क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? तुम, मेरा मतलब है आप पढ़ती थी? I'm sorry, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। आप मेरी बातों का प्लीज बुरा मत मानिए, मैं तो हूँ इडियट। अच्छा तो मैं फिर आऊंगा, बाय बाय। हे मेजर, हाहा, अरे तू इधर, साला अपना का कॉलेज ढूंढ लिया तेरे लिए यार। हे मेजर, साला कुछ परेशानी है क्या? अरे यार कुछ नहीं। घर का कोई टेंशन? कोई टेंशन नहीं, घर पे तो सब टेंशन है। समझ गया, माल पानी का तकलीफ। फिकर मत कर यार, अपना करोड़पति बाप वापस आ गया है, जितना बोलेगा उतना मिलेगा। अरे अपने को बर्थडे में जीप मिलने वाला, जीप। कौन सी? 50वीं बर्थडे पे? ए साला। आके मोमबत्ती के लेना, ओके? चल मैं चलता हूँ यार। ओके बुड्ढा। क्या यार? 100 रुपए देगा। 100 रुपए? सॉरी यार, 100 रुपए तो नहीं दे सकता। अरे ये 100 रुपए इतने कम होते हैं कि लोग वापस देना ही भूल जाते हैं, तुझे तो पता है यार, और मुझे मांगने में भी कितनी तकलीफ होती है, इसलिए तू ये 300 रख, और मेरे लिए प्रेजेंट खरीदना हो तो और देता हूँ। तोहफा तो खरीदना है, लेकिन तेरे लिए नहीं, किसी और के लिए। हाय, कैसी हो? तुम्हें जगू ने भेजा है? नहीं तो, मैं तो खुद आया हूँ। क्यों आते हो? अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? तुम्हें देखना, तुमसे मिलना। तुम्हारा घर पास में है? नहीं, जुहू पे। ये जुहू कहाँ है? हाँ, तुम ये भी नहीं जानती कि जुहू कहाँ है? सांता क्रूज के आगे जो समुद्र है ना, उसे जुहू कहते हैं। समुद्र के किनारे है तुम्हारा घर? कमाल है, तुमने अभी तक जुहू नहीं देखा पारो। हमारा नाम पारो नहीं है, इन लोगों ने रखा है। तुम्हारा नाम पारो नहीं तो फिर क्या है? काजल। काजल? शिट, अगर आप पहले बता दी ना तो ये मिस्टेक ही नहीं होती। क्या मिस्टेक? मैं क्लिप नहीं लाता, तुम्हारे लिए काजल लाता। अच्छा हुआ कि तुम नहीं लाए। क्यों? बह जाता। क्या तुम यहां अपनी मर्जी से आई हो काजल? कैसा है? बहुत सुंदर। अपने बालों में लगाओ ना प्लीज। किस बात का थैंक यू? तुमने मेरा तोहफा कबूल किया। एक शर्त पर, आइंदा जब भी तुम आओ हमारे लिए कोई भी तोहफा मत लाना। क्या तुम्हें यकीन है मैं यहां दोबारा आऊंगा? काजल, क्या मैं तुमसे मिलने फिर से आ सकता हूं? आना आना आना, जरूर आना। तुम जैसी लौंडिया को, धनराज की बाड़ी में आने वाले हर आशिक को सिर्फ एक ही चीज कहना है कि आना आना आना, मगर किसी को साथ भगाकर मत ले जाना। आज इस लौंडे ने हमारी बाड़ी की छोकरी को भगाने की कोशिश की, कल को दूसरा आशिक भी कर सकता है।
तो बचेगा क्या तुम जैसे चमचों के पास? जरा सोच 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 सोच, सोच। अगर एक एक कर हमारी बाड़ी की सारी लौंडियां तेल काट का अपने आशिक के साथ भाग गई तो किसको बिठाएगा धंधे पे? तेरी जात का। तू बैठेगा? अबे कोई चौवन्नी भी नहीं देगा चौवन्नी। अपनी आंखें मेरी आंखों से हटाकर मेरे जूतों की तरफ झुका दे। ये साला आशिक हमारी बाड़े की छोकरी को लेकर भाग गया था। सोचता था कि हमारे हाथ से निकल जाएगा। निकला तू? निकला तू? बेटे ये दुनिया बहुत बड़ी और लंबी है मगर धनराज के हाथ उसे कहीं ज्यादा बड़े और लंबे हैं। अबे मजनू की औलाद, होटल का बिस्तर सोने के लिए होता है, घर ले जाने के लिए नहीं। अबे तू क्या समझता था? क्या समझता था कि धनराज ने धंधा इसलिए खोला है कि तेरे जैसे आशिक आए और मेरी छोकरियों को डोली में बिठा कर ले जाए? मैं यहां पर कन्यादान नहीं, कन्याओं का धंधा करता हूं। कन्याओं का? तेरी जात का? तेरी अर्थ उठेगी ना तेरी अर्थी तो यहां से हजारों डोलियां चाले से रुक जाएंगी, धंधा ठीक रहेगा मेरा। तेरी अर्थी, तेरी अर्थी। लारे ताकि इसके चीखने की आवाज बाड़ी में आने वाले हर आशिक तक पहुंच सके। धनराज दरिद्रे, आज हमारी मोहब्बत तुम्हें श्राप देती है, तेरी मौत भी किसी आशिक के हाथों होगी। लैला की छठी औलाद, क्यों क्या हुआ सर साहब? इस दुनिया को क्या होता जा रहा जवान, क्या होता जा रहा दुनिया को? एक लड़की को भरी सड़क पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। हे भगवान, देखो इस बच्ची की तस्वीर, इसने अभी दुनिया भी नहीं देखी होगी कि मौत देख ली। ये 6 महीने में दूसरा इंसिडेंट है, पहली बार भी एक लड़की को इसी तरह जलाया था। सर साहब, इसको जिसने भी जलाया है उसकी चिता भी जल्दी जलने वाली होगी। मैं आपके लिए चाय बनाऊं? हाँ बनाओ। और सुनो, एक कप चाय मेम साहब को ऊपर देना। जी। अरे जवान, एक कप नहीं 2 कप चाय। हवलदार, अरे यार, वेलकम वेलकम, बहुत दिनों के बाद। आज इधर से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। जवान, पुलिस वाले के लिए चाय बना। जरा फर्स्ट क्लास बनाना भाई। कर्नल, भाभी और साजन कैसे? वो सब ठीक है, लेकिन मेरा मूड बहुत खराब है। क्यों? तेरी वजह से। मेरी वजह से? जी हाँ। वो क्यों भाई? इस लड़की की जलने की खबर पड़ी है। हाँ हाँ। कैसा पुलिस कमिश्नर यार, तू कुछ कर नहीं सकता? अरे भाई कर्नल, कर तो बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन मौके के इंतजार में हूँ। इन सब क्राइम के पीछे धनराज का हाथ है। धनराज? वो बहुत बड़ा गुंडा है साला, शहर भर में ब्रॉथल चलते हैं उसके, कोठे हैं, बाड़ियां हैं, धोखे से लड़कियां पकड़वाता है, अगवा कराता है, लड़कियां बेचता है, लड़कियां खरीदता है। हरामजादे साले का बहुत बड़ा कारोबार है। लेकिन कर्नल, अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि आज तक हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं कि हम उसे पकड़ सके, क्योंकि सिर्फ गुंडे ही नहीं बल्कि बहुत से पुलिस अफसर भी उसके साथ हैं। वैसे हाँ, गुंडे ही नहीं, पुलिस अफसर भी उसके साथ हैं। हाँ, तो फिर इन सबका सिर्फ एक ही इलाज है। वो क्या? आर्मी रूल, शूट एट साइट, किल दैट ब्लडी बास्टर्ड। नहीं नहीं कर्नल, आर्मी रूल की जरूरत नहीं। देखो साहब, पूरे बाजार में ऐसी छोकरी नहीं मिलेगी। अच्छी, अच्छी। कोरी है साहब, कोरी। कुछ खाने पीने को भिजवाओ साहब। कुछ जरूरत नहीं। दया बनची है।
अरे मार दिया मैं चक्कू के बच्चा हराम इंसाने, ये मुझे कहाँ फंसा दिया तूने? अरे ये लड़की तो पागल है, एकदम पागल। अरे ना कुछ बोली, ना बात सुनी, और सर पर बोतल दे मारी। अरे ये लड़की क्या हुआ सेठ? सेठ क्या हुआ हाँ? क्या हुआ? जब कभी धंधा ही नहीं किया इस बदतमीज ने, तो क्यों मुझे भेजा इसके पास? नहीं सेठ नहीं, ये लड़की पागल नहीं है, लेकिन जब से आई अपन सबको पागल कर रखा है। आज आज इस साली का भूत उतार कर ही छोड़ूंगा, इस साली का भूत उतार कर ही छोड़ूंगा मैं। साड़ी बंद फंदे पे बैठेगी क्या नहीं? मार डालेगा क्या? हाँ मार डालूंगा साली को। साड़ी बनती है साली, धंधा खराब करती है। आज आज पता है रोज का ग्राहक नाराज होकर चला गया। बाड़ी का नाम बदनाम करती है साली, समझती क्या अपने आप को? साली समझती क्या अपने आप को? जग्गू नरमी से काम ले, नरमी से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा हाँ? वो जो अपन का बाप है ना धनराज, वो जब माल लेने आएगा तो जवाब कौन देगा? तू देगी क्या? हाँ मैं जवाब दूंगी, मैं जवाब दूंगी। सोच ले लीला भाई सोच ले, इस छोकरी से प्यार तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। प्यार तो महंगा ही होता है चक्कू, लेकिन प्यार करने वाले महंगाई से नहीं डरते। रो मत बेटी रो मत, इन आंसुओं में इतनी ताकत होती तो ये बाजार कब का बह गया होता। हाय, तुम सो रही हो काजल? तुम सो रही हो क्या? देखो मैं दोबारा आ गया। हेलो काजल, काजल क्या? ओह माय गॉड, जगन तुम्हें फिर से मारा। अरे जानवर को भी ऐसा नहीं मारते। शिट, ये आदमी ये क्या है? मैं साले का सर तोड़ दूंगा। कोई फायदा नहीं। क्या मतलब? अभी सब कुछ हमें हमारी किस्मत लगने लगी है। ऐसा लगता है जैसे ये मार, ये जिल्लत, ये अंधेरी कोठरी, ये सब हमारा भाग्य है। नहीं, ये तुम्हारा भाग्य नहीं है काजल, ये अंधेरी कोठरी, ये जिल्लत, ये तुम्हारा भाग्य नहीं है। इस अंधेरी कोठरी के बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है जो बहुत सुंदर है, वो तुम्हारा भाग्य है। हाँ वो तुम्हारा भाग्य है। हमने तो इस चार दीवारी के सिवाय बाहर कुछ भी नहीं देखा साजन। अभी चलो। लेकिन साजन वो लोग हमें जाने नहीं देंगे। उस जग को तुम्हें जिंदा कर दूंगा। जग उसे कुछ मत कहना, पूछना तो सिर्फ लीला बाई से। लीला बाई, लीला बाई, मैं वो पारो को बाहर ले जाना चाहता हूँ। भगा के ले जाने का इरादा है क्या? हैं? नहीं बस साथ घूमेंगे। साथ में घूमेगा साला। कोई ऐसी वैसी बात नहीं करना लड़के, छोकरी को कुछ हुआ ना तो धनराज तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं मैं तो, अरे भाई जी की बात छोड़ लीला भाई, इस लौंडे के लिए अपनी काफी है। ऐसे 10 चिकनों को फिरा डालेगा अपनी। देखिए लीला भाई, मैं पारो को सिर्फ घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ। ये खड़ा होकर मेरे पर आंख निकालता है, शाना बनता है साला। चल चल छोड़, हाथ नहीं लगाने को। लीला भाई बोल हाथ नहीं लगाने को। बात तो समझ, हाथ नहीं लगाना। ये पारो को बाहर ले जाना चाहता है, ले जाने दे इसे। तू कहती तो मान लेता हूँ लीला भाई। चल चल माल निकाल, चल माल। ये किधर से आ रही तू? हैं? फोकट में जाएगी क्या? 2000 निकाल, 2000 चल। 2000 क्या हुआ? बाहर जाने का भूत उतर गया है? नहीं मेरे पास अभी 2000 रुपए तो नहीं है, पर इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ ठीक है,
बंदोबस्त करने के बाद आ जाना है? चल फोट लीला भाई, पारू का ख्याल रखना। अच्छा साजन, तुमने मेरे बटुए से 200 रुपए निकाले थे? यस सर। क्यों? अचानक जरूरत पड़ गई थी सर। क्या जरूरत पड़ गई थी? क्यों चोरी की? साजन तू बोलता क्यों नहीं? तूने पैसे क्यों निकाले? क्यों की चोरी? बस कीजिए भगवान के लिए, बस कीजिए। कोई जरूरी काम आन पड़ा होगा, वरना आज तक इसने कभी ऐसा कुछ किया नहीं। मैं जानता हूँ इसे क्या जरूरी काम आन पड़ा होगा। इसे अपनी आवारगी और बदमाशी के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए अब चोरी करना भी सीख गया। मगर कर्नल सूद का बेटा आवारा नहीं हो सकता। आई विल नॉट टॉलरेट इट। इसके बाद अगर तुमने इसे एक भी रुपया दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? आज के बाद इसका जेब खर्च बंद। नो पॉकेट मनी, डू यू अंडरस्टैंड? अब चलिए, बस पी कीजिए, चलिए। गेट लॉस्ट। तो इस चार दीवारी के सिवाय बाहर कुछ भी नहीं देखा साजन। ये किधर से आ रही तू? हैं? फोकट में जाएगी क्या? 2000 निकाल, 2000 चल। इसके बाद अगर तुमने इसे एक भी रुपया दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? आज के बाद इसका जेब खर्च बंद। नो पॉकेट मनी, डू यू अंडरस्टैंड वुमन? बस ड्राइवर, गाड़ी रोको। यहाँ पे? ये तो हमारे कर्नल साहब का बंगला है। अच्छा अच्छा, कितना हुआ? 30 रुपया 12 ना। ये लो। थैंक यू। साजन, अब्दुल चाचा, thank you।
अब्दुल चाचा। ओ अब्दुल चाचा। साजन बाबा, ये तेरा नाटक अपने को समझ में नहीं आता। तू आदमी है कि जिन भूत, रात भर टैक्सी चलाता है, दिन में कॉलेज जाता है, ये कब तक चलेगा? किसी दिन सर साहब को पता चल गया तो अपना पुराना ड्राइवर होने का भी ख्याल नहीं करेंगे और मुझे शहर से ही निकाल देंगे। ये क्या चक्कर है? अरे मत पूछ अब्दुल चाचा, जो ये चक्कर में पड़ेगा ना वो घन चक्कर हो जाएगा। इतने बहुत से नोट किसी पैसेंजर का खिस्सा काटा है क्या? पेट काट के जमा किया है, मेहनत की कमाई है, मेहनत की। मगर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है साजन बाबू? साजन को जरूरत नहीं, साजन की सजनी को जरूरत है। कर्नल साहब, साजन ने आजकल कॉलेज में आना बिल्कुल बंद कर रखा है। हम लोग तो यही पता करने आए थे कि उसकी एब्सेंट रहने की वजह क्या है। सर, उसका पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। नहीं, आपसे समझाइए, ये अच्छी बात नहीं है ना? करा दिया तुम लोगों ने। इरादा तो यही था कि तेरे फौजी बाप को तेरी सारी बात बता के तेरा कोर्ट मार्शल करा दें। मगर तेरी किस्मत अच्छी है कि कर्नल साहब घर पर नहीं है। थैंक गॉड। चल अब शुरू हो जा, ए से लेके जेड तक सारी बात बता। चल बता। कौन सी बात यार? अरे तेरी कॉलेज से गायब रहने वाली बात। नाउ कम ऑन बेबी, आउट विद इट। अरे यार कुछ नहीं यार, बस थोड़ा सा बिजी हो गए थे बीच में। अरे बेटा, ये बाल मैंने धूप में काले नहीं किए। 35 अफेयर कर चुका हूँ और 36वां चल रहा है। ये तेवर मुझे लवेरिया के लगते हैं। ए तेरा दिमाग तो ठीक है, यारों से क्या छुपाता है? बोलना कौन है वो, बोल बोल। अपने कॉलेज की है। तेरे एरिया की है? सड़क पे टकराई थी, होटल में मिली थी। ए, तुम लोग यहाँ फालतूगिरी की बात करने आए क्या? अरे नहीं यार, एक बहुत काम की बात याद दिलाने आए थे। आज बुड्ढे का बर्थडे है। अरे यार, बहुत बड़ी पार्टी है और तू अगर नहीं आया ना तो फिर वही होगा जिसकी हम लोग रिहर्सल कर रहे थे। हाँ, यानी के कर्नल साहब से तेरी शिकायत। हाँ। ए, बुड्ढा को बोलना आज नहीं, फिर किसी दिन यार। नहीं देख, पार्टी तो आज ही है और तुझे आना पड़ेगा। तू चाहे उसे भी ले आ, सब अपने ही है। हाँ, आएगा ना? जरूर। हाँ आएगा। और सुन, याद है ना तेरे को, छोकरी को कोई आड़ी टेढ़ी बात समझाई या कहीं और ले जाने की सोची तो अपुन तेरे को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, समझा? चल फोड़। जग्गू, ये लड़का मुझे अच्छे घर का लगता है, अपनी बात पे कायम रहेगा। जा ले जाओ उसे, लेकिन वक्त पे ले आना। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, प्यार का सपना सच्चा लगता है, कैसा लगता है, अच्छा लगता है, प्यार का सपना सच्चा लगता है, तू जो करीब है दिल में बसी है तू, मेरी खुशी है तू, तेरे बिना एक पल मुझे न रहना। कैसा लगता है, अच्छा लगता है, प्यार का सपना सच्चा लगता है, तू जो करीब है मेरा नसीब है, दिल में बसी है तू।
लगता है, अच्छा लगता है प्यार का सपना, अच्छा लगता है। मौसम है यहाँ, पहली बार देखा ये जहाँ, हर तरफ खुशियों का मौसम है। हम की दुनिया से हम चले आए, दूर है हमसे दर्द के सारे, आ दुआ मांग ले कुछ भी हो अब दुख पड़े न सहना, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है सपना, अच्छा लगता है जो करीब है, मेरा नसीब है, दिल में बसी है तू, मेरी खुशी है तू, तेरे बिना एक पल मुझे न रहना, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। Oh, buddha! Happy birthday! Thank you!
तू आ गया, वरना मैं रिफिल को तेरे बाप के पास भेजने वाला। अरे क्यों यार? अच्छा मैं तो भाई काजल। अच्छा अच्छा तो ये काजल है, चलो देख क्या रही हो, आगे बढ़ो, आशीर्वाद लो, चलो चलो चलो। हाँ ये तो करना पड़ेगा। यस यस। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ए टेम्पो रिफिल, कम ऑन यार। हाँ हाय बेबी। रिफिल हाय। आई 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 नहीं आप नहीं, आपको कम पड़ जाएगा। आई 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 पार्टी अपनी और ये रात भी अपनी, सो एंजॉय योरसेल्फ। आया अच्छी है ना? हाँ इधर भी है योर हाइनेस। यस योर हाइनेस। ये आप इस डांस नहीं करना चाहती? क्यों आखिर क्यों? व्हाई नॉट? इसमें आखिर बुराई क्या है? ए महेश क्या लफड़ा करता है यार, तेरी बीवी तेरे साथ है, तू उसका डांस करना। ए केटी संभाल इसे, चल ला। ए केटी गेट एसाइड केटी। ए महेश के साथ डांस करेगा। ए महेश तू नशे में है वरना? ए वरना वरना अपने पास रखना। एक वेश्या को साला हमारी पार्टी में लेकर आता है, हमको आंखें दिखाता है, धमकी देता है क्या रे? ए? क्या? ये क्या बदतमीजी है यार? ये महेश गुड्डे की पार्टी क्यों खराब करता है यार? अरे साला वेश्या बोलता है यार। पार्टी तो साला ये खराब करता है, उस बाजारू छोकरी को इधर लाके क्या रे? अभी और कुछ बोले यार तोड़ डालूंगा। साजन ये साली वेश्या वेश्या धंधे वाली, इससे पूछे कहां से आई है, पूछ से। साजन तू कुछ बोलता क्यों नहीं यार? ये कौन है यार? अरे मैं बोलता हूँ मैं, ये साली वेश्या फारस रोड से आई है। बोल बोल आई है कि नहीं आई? ये फारस रोड से आई है। हाँ ये वहां धनराज की बाड़ी में रहती है, मगर ये वैश्य नहीं, ये वहां धंधा नहीं करती, ये उतनी ही मासूम है जितनी कि तुम में से किसी की बहन हो सकती है। तुम्हें यकीन नहीं आता, तुम्हें यकीन नहीं आता कि कोई कोठे में बैठने वाली धंधा नहीं भी कर सकती? बोलो बोलो, तुम्हें यकीन नहीं आता? तुम लोगों को सबूत चाहिए। हाँ तुम लोगों को सबूत चाहिए ना? ये देखो सबूत, ये देखो सबूत, ये देखो मार्क निशान, ये मार्क के निशान नहीं, इसके सच्चाई के स्टैम्प से, ये सर्टिफिकेट है इसके शराफत के, इसके मजबूरी के, इसके पाकीज़ा होने के। अब भी किसी को पूछना है कि ये कौन है, ये कहां से आई है? पूछो पूछो ना, जवाब दो, चुप क्यों हो तुम लोग, जवाब दो। किसी को कुछ नहीं पूछना, किसी को कुछ नहीं पूछना, मगर मुझे शरीफ ज्यादा से पूछना है कि फारस रोड किस लिए गया था, बीवी होते हुए धनराज की बाड़ी में किसने मिलने गया था? जवाब दे यार, रास्ता दे, जवाब दे। अरे यार ये मेरी कासी को गाली देता है, वो मेरी जान है, और अगर तूने उसके खिलाफ कुछ भी बोला तो मैं तेरी जान ले लूंगा, ये याद रखना। साजन नहीं यार, हमें यहाँ से वापस ले चलो साजन, हमें यहाँ से वापस ले चलो। काजल रोने और सर झुकाने से कोई फायदा नहीं, तुम एक छोटे लोगों से बहुत ऊंची हो, चलो मेरे साथ। डार्लिंग टेक इट इजी।
काजल, क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं। तो फिर तुम उन छोटे लोगों से डर गई जिनके पास छोटे दिल, छोटे दिमाग और छोटी बातों के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ आवाज बड़ी बड़ी। चीख सकते हैं साले, गाली दे सकते हैं, लेकिन किसी को सहारा नहीं दे सकते, किसी को हिम्मत नहीं दिला सकते, किसी की मदद नहीं कर सकते। ये महेश जैसे लोग है ना, ये डरने की चीज नहीं है काजल। ये तो गली के वो पारिया कुत्ते हैं जो हर आने जाने वाले पे भौंकते हैं, उनसे क्या डरना, उनकी तो परवाह भी नहीं करना चाहिए। हम उन लोगों से नहीं, तुम्हारी बदनामी से डरते हैं साजन। ये सब बदनाम कर देंगे तुम्हें। बदनामी का डर तो उस दिन था जिस दिन मैं पहली बार धनराज की बाड़ी में आया था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद वो सारे डर, वो सारे खौफ खत्म हो गए, सिवाय एक के, कहीं तुमसे मिलने का सपना अधूरा ना रह जाए। सपने और हकीकत में बहुत फर्क होता है साजन, और हकीकत ये है कि तुम्हारे और हमारे बीच लीलाबाई है, जग्गू है, धनराज की बाड़ी है। जो लड़की अपना घर छोड़ के आ सकती है उसे लीलाबाई, जग्गू तो क्या, उसे तो धनराज भी नहीं रोक सकता। घर के दरवाजे और जेल के दरवाजों में फर्क होता है साजन, एक अपनी मर्जी से खुलता है, दूसरा जेलर की मर्जी से। तुम मुझे अपनी मर्जी बता दो, बाकी मैं सब संभालूंगा। अब भी कुछ बताना बाकी है? नहीं, मगर मैं तुमसे एक बात पूछे बगैर नहीं रहूंगा। तुम उन लोगों के जाल में फंस कैसे गई? साजन, सब कुछ एक भयानक कहानी जैसा लगता है। पता नहीं जो हम कहने जा रहे हैं वो शायद ही तुम सुन सकोगे, जो एक हकीकत है मेरी अपनी, आप भी थी। एक पहाड़ी शहर, एक गहरी वादी, एक छोटा सा घर, नाना जी, नानी, जिन्होंने माँ के बाद हमें पाला, और हमारे बाबूजी बहुत अच्छे थे साजन। वो स्कूल में पढ़ाते थे मगर हर अच्छी चीज की तरह वो भी हमसे जल्दी छीन लिए गए। एक दिन वो स्कूल क्या गए कि वापस ही नहीं आए। कमाने वाला जब खत्म हो जाता है ना साजन, तब घर भी खत्म हो जाता है। नाना जी की छोटी सी पेंशन कैसे संभालती हमें, फाके होने लगे। तब हमने फैसला किया कि बाबूजी की जगह हम लेंगे, हम काम करेंगे। बहुत सी जगह चिट्ठियां लिखी, एप्लीकेशंस डाली, बहुत सोने बुलवाया भी, लेकिन आने जाने के पैसे नहीं थे। बंबई की एक कंपनी से इंटरव्यू का बुलावा आया, साथ में आने जाने के पैसे भी थे। हमें ऐसा लगा जैसे भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली हो। हम बंबई आ गए और उसी पते पर गए जहां पर हमारा इंटरव्यू होना था। इंटरव्यू लेने बहुत से लोग बैठे थे, उन्होंने हमारा एप्लीकेशन फिर से देखा, हमसे कई सवाल पूछे गए, हमारे घर में कौन कौन है, हम रहते कहाँ हैं। हमने सब कुछ सच सच बता दिया। हमें 1000 रुपये एडवांस के तौर पे घर मनी ऑर्डर करने के लिए दिए गए। हमें पोस्ट ऑफिस के बाहर वही आदमी मिला जिन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था। उसने हमें गाड़ी में लिफ्ट दी, हम गाड़ी में बैठ गए, मगर हमने ये नहीं सोचा कि वो सफर कहाँ खत्म होगा। हमने अपने आप को धनराज की बाड़ी में पाया तो उस काल कोठरी को अपनी चीखों से तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने हमारी फरियाद नहीं सुनी। तब हमने फैसला किया कि हम अपनी जान दे देंगे। अचानक तुम अंदर आ गए, तुम्हारी आंखों में जिंदा रहने की एक उम्मीद नजर आई। हम जीना चाहते हैं साजन, हम जीना चाहते हैं, लेकिन उस बाड़ी में नहीं,
कोठरी में नहीं, उस अंधेरे में नहीं। हम जीना चाहते हैं साजन, हम जीना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं। का जमाना बीत गया काजल, अब उजालों का मौसम आया है। चलो मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर। मां मैं तुम्हारा कैसा बेटा हूं? मां बहुत अच्छा वाला बेटा। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। कैसे बच्चों वाले सवाल करता है? जवाब दो ना माँ। तू इस धरती पे हर चीज से प्यारा है। माँ मैं जिससे प्यार करूंगा तू भी उससे प्यार करेगी। तू कहना क्या चाहता है काजल? माँ ये काजल है, मैं इसे प्यार करता हूं। आ बेटी। नमस्ते। जीती रहो, खुश रहो। ये साजन है ना, जरा सा पगला है, बिना कुछ बताए तुम्हें यहां ले आया। अगर पहले कहता तो हम तुम्हें देखने तुम्हारे घर आते। मां काजल का घर नहीं है, काजल के माता पिता का ध्यान दे चुका है। तो फिर तुम यहाँ किसके पास रहती हो बेटी? जी मैं माँ काजल वैश्य की बस्ती में कोठे पर रहती है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? ये सच है माँ, और मैंने फैसला किया है कि काजल अब उस बाड़ी में कभी नहीं जाएगी, वो यही रहेगी। ये बहुत सीरियस बात है साजन, किसी की जिंदगी का फैसला इस तरह नहीं किया जा सकता। इसकी जिंदगी का फैसला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन उसे बाजार में बैठा गया था। आज तो ये उस फैसले के खिलाफ अपील करने आई है। कहो क्या हुक्म है इसके लिए? हरामजादे, तेरी ये मजाल की तो कोठे पर जाए और वहां की गंदगी को मेरे घर तक ले आए, मैं तेरी खाल खींच लूंगा साजन। सर अब मेरी बात तो सुनिए प्लीज, काजल एक अच्छे घर की शरीफ लड़की है। कोई बाजारू लड़की कभी शरीफ नहीं हो सकती। कम से कम आप तो वो गाली न दें जो दुनिया वालों ने काजल को दी है। मैं इस दुनिया से अलग नहीं हूँ और तुझे भी इसी दुनिया में रहना है। अगर यही आपकी दुनिया तो नहीं चाहिए मुझे आपकी दुनिया। नहीं चाहिए मुझे वो दुनिया जिसमें एक लड़की के सारे हक छीने जाए, बेटी होने का, बहन होने का, बीवी होने का। एक जिंदा इंसान को एक बेजान चीज की तरह बाजार में रखा जाए, उसका मोल लगाया जाए, उसे खरीदा जाए, उसे बेचा जाए और फिर कहा जाए कि यही दुनिया का दस्तूर है। नहीं चाहिए मुझे आपकी दुनिया, नहीं चाहिए मुझे आपकी दुनिया। तेरी ये हिम्मत मुझसे जबान लड़ाता है, मुझसे जबान चलाता है। मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मत छोड़िए मुझे जिंदा, मार डालिए, मगर मैं काजल को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। गेट आउट, तू मेरे घर में मेरे खिलाफ बगावत करके नहीं रह सकता। गेट आउट। अगर प्यार करना बगावत है, किसी को सहारा देना बगावत है, तो मैं आपके खिलाफ, आपके कानून के खिलाफ, आपके समाज के खिलाफ बगावत करता हूँ। मैं बागी हूँ, हाँ मैं बागी हूँ, और मैं वही करूंगा जो एक बागी को करना चाहिए। चल काजल।
कैसा लगता है। अच्छा लगता है प्यार का सपना, सच्चा लगता है। लोग जो कहते हैं कहने अपनी कसम, साथ हो जिसके हम सफर फिर जमाने का डर उसे कैसा है यही आरज़ू, सुख दुख कैसा लगता है। अच्छा लगता है प्यार का सपना, सच्चा लगता है। देखा साजन, हमने देखा कि जग्गू तुम्हें मार रहा है। ए, लगता तुम्हारे दिल में जग्गू का डर अब तक है। तुम फिक्र न करो काजल, हमें कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा काजल, हमें कुछ नहीं होगा। वो बहुत भयानक लोग हैं साजन, वो बहुत भयानक लोग हैं। एक और लड़की ने भी वहां से भागने की कोशिश की थी लेकिन धनराज ने उसे जिंदा जला दिया। हम उनसे नहीं बच सकते साजन, नहीं बच सकते। हम बच सकते हैं और हम जरूर बचेंगे। हम पुलिस के पास जाएंगे, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं, सुष्मी कह रही थी कि धनराज पुलिस को भी पैसे देता है, कहीं हम फंस गए तो भगवान ना करे। तो फिर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे, बहुत दूर, जहाँ धनराज का ध्यान भी हम तक ना पहुंचे। वो हमारा ध्यान न भी रखे तो क्या हुआ, हमें तो उसका खौफ हमेशा लगा रहेगा। न जाने कौन कब कहां से आ जाए। डर के साए में जीना बहुत मुश्किल होता है साजन, बहुत मुश्किल होता है। तुम कहना क्या चाहती हो, हम घर नहीं जा सकते, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, हम किसी और शहर में नहीं जा सकते, हम जाएंगे कहां। हम बाड़ी जाएंगे साजन। बाड़ी, तुम पागल हो क्या। एक तो तुम वहां से इतनी मुश्किल से निकली हो और तुम फिर मौत की मुंह में जाना चाहती हो। आइंदा तुम बाड़ी का नाम अपनी जबान पे भी नहीं लोगी। बस थोड़ी ही देर के लिए चलेंगे साजन, हम लीला बाई से मिलने जाएंगे, वो बहुत अच्छी है साजन। अगर वो ना होती तो पता नहीं हम कहाँ होते। साजन, लीला बाई दिल की बहुत अच्छी है, वो जरूर हमारी मदद करेंगी, एक बार, सिर्फ एक बार। बोलो साजन, चलोगे ना। अगर लीला बाई हमारे लिए कुछ ना कर सकी तो फिर हम वही करेंगे जो तुम चाहोगे। कहो, चलोगे ना साजन, प्लीज, हमारी खातिर। तू क्या कह रही है, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं लीला बाई। ऐसा कुछ करो कि वो लोग हमें यहाँ से
जाने भी दें और साजन को भी कभी कुछ न कहे। तू वो मांग रही है जो आज तक कभी किसी को भी नहीं दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता बेटी, यहाँ आने के तो कई रास्ते हैं लेकिन जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मौत का रास्ता, और वो रास्ता भी धनराज की गली से होकर ही गुजरता है। तुमने हमें बेटी कहा है लीला बाई, कैसी माँ हो तुम, अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती? क्या ये लड़का तुझसे सचमुच प्यार करता है? ये हमारे लिए अपना घर छोड़कर आए हैं लीला बाई। आज अगर लीला बाई का अपना घर होता तो लीला बाई सब कुछ देखकर शहनाइयां बजवा देती, तेरे हाथों में मेहंदी रचाती और तुझे डोली में बिठाकर इसके साथ विदा कर देती। लेकिन लीला बाई जहां है वहां से बाहर आती नहीं, अर्थियां उठती हैं कभी आदमियों की तो कभी अरमानों की। तेरी खातिर भी ना जाने किस किस की अर्थियां उठेंगी। लीला बाई ये तो तय है कि काजल यहां से जाएगी, खुशी से जाएगी या ना खुशी से, इसका फैसला करना आपके हाथ में है। सिर्फ एक ही रास्ता है, तू धनराज के पास जा और उसे मनाने की कोशिश कर, शायद तेरे दिल से निकली हुई कुछ बातें उसके दिल पर असर कर जाए। मुझे धनराज कहाँ मिलेगा? धनराज महल में, वहां हर रोज उसका दरबार लगता है। क्या काम आन पड़ा धनराज से? मैं एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ सर। बोल क्या रिक्वेस्ट है? साहब आपकी बाड़ी में एक लड़की रहती है, अगर आप उसे छोड़ देंगे तो आपका बड़ा एहसान होगा। क्या तेरी खोई हुई बहन लगती है क्या? वो मेरी कोई नहीं है मगर आपकी भी कोई नहीं है, वो आपके कब्जे में है, उसे प्लीज छोड़ दीजिए साहब। क्या प्यार व्यार हो गया उससे? बस ऐसे ही समझ लीजिए साहब। तुम साला स्कूल का लौंडा लोग बिल्कुल अनाड़ी होता है, जहां पहली छोकरी देखी उधर ही जान देने को तैयार हो जाता है। ये प्यार व्यार क्या चीज होती है? इज्जतदार लोगों ने अपनी हवस का, शरीर की प्यास का नाम रख दिया है प्यार। छोड़ दे ये सब फालतू गिरिया, छोड़ दे। अरे शक्ल से तो किसी शरीफ घर का लगता है, बाप से बोलकर किसी शरीफ घर में शादी कर ले, कहां ये धंधे वाली को अपने घर पर लेकर जाएगा, अपन को चूना लगाएगा क्या? देख भेड़ो, अपन धंधे के अंदर कोई रियायत नहीं करता है, अपन की बाड़ी के अंदर जो छोकरी आ गई वो साली उधर से जा नहीं सकती क्या? साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब, आप काजल को प्लीज छोड़ दीजिए साहब। अरे अपन का भेजा खराब मत कर रहे भेड़ो, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, चल जा यहाँ से। साहब आप जो कुछ भी बोले मैं करने को तैयार हूँ साहब, आपको पैसे चाहिए मैं आपको पैसे कमा के दूंगा, मगर आप प्लीज काजल को छोड़ दीजिए। क्या पैसे कमा के देगा? अपन को चल फोड़ यहाँ से, इंस्टॉलमेंट में टीवी लेने आया क्या? साहब प्लीज सब ऐसा मत करो साहब, साहब मैं सब मुझे मायूस मत करो साहब। फोड़ यहाँ से, चल फोड़ यहाँ से, साला छोटे ले जाओ इस मजनू की औलाद को और फेंक दो किसी गंदे गटर में। राज गटर में मैं नहीं, तू जाएगा। धनराज इतना मारो साले को, इतना मारो कि आइंदा बाड़ी तक पहुंच ना सके, ले लो साले को यहाँ से। मैं काजल के बगैर नहीं जाऊंगा धनराज, धनराज उसे छोड़ दे धनराज। सच्चा आशिक लगता है तेरे जैसा नहीं, ले लो इसे यहाँ से, मारो साले को, तू चल यहाँ से, चल। मैं नहीं जाऊंगा। you
ये तो अपना मेजर है। ये मर जाएगा। इसे हॉस्पिटल ले चलो जल्दी यार। चलो चलो जल्दी चलो यार। साजन, साजन। मैं मरने वाला नहीं हूँ। मैं मरने वाला नहीं हूँ। काजल। बैठो, मैं देखती हूँ। ओए लीला भाई, आइए आइए आइए, आज तो बाड़ी की किस्मत ही चमक गई। बोलो क्या हुक्म है बलबीर सेठ? हम लैला को देखने आए हैं। हाँ हाँ हाँ, आप लैला की तलाश में आए हैं? अरे जनाब, आप थोड़ी देर बैठिए, अपना गला तो गीला कीजिए, मैं आपके लिए लैला, शिरी, हीर, इन सबको तैयार कर दूंगी। अरे यार लबो, आया नीला भाई, एक एक करके इन सब लड़कियों को बाहर निकाल। अरे इतना बड़ा सेठ आया, क्या कर रहा है? ओए ओए, उन सबको छोड़, वो किधर है? वो कौन? जिसके लिए साला वो छोकरा पागल हो गया था। कौन सा छोकरा? अरे वही जो भाई जी के पास आया था। बोल रहा था सब सब मेरी छोकरी आपकी बाड़ी में है, उसे छोड़ दो। अरे हट। कहाँ है वो छोकरा? अरे मर गया होगा साला। नहीं सेठ, बोलो कि तुम झूठ बोल रहे हो। बोलो सेठ, बोलो कि तुम झूठ बोल रहे हो। सेठ बोलो ना, बोलो कि साजन ठीक है, बोलो कि धनराज ने हमें आजाद कर दिया। सेठ बोलो ना, सेठ बोलो, बोलो बोलो, बोलो। तो ये लैला है, है? अच्छी है। ओए चमचो, उठा लो इस लैला को। तू इसे नहीं ले जा सकता, तू इसे नहीं ले जा सकता, तू नहीं ले जा सकता। जा अपना काम कर। चल चल, इसको बिठा उस गाड़ी में। बलबीर, इतने लायक नहीं है, जाने दे इसे। क्यों? तेरी बेटी लगती है क्या? हाँ मेरी बेटी लगती है। अरे बेटी की बच्ची, जाके अपनी दुकान संभाल जा, फुट। अरे हट, मैं उठाता हूँ। अरे चल ना, तक बैठ जा, बच गया साला। हे हे हे, जल्दी से लेके निकल जाओ सुषमा। हाँ जाओ। ए, ए, क्या हो रहा है? खड़े भाई, कौन जा रहा है?
काजल। काजल काजल जग्गो सच बोल दे, जग्गो सच बोल दे। देख भाई मुझे सच बहुत पसंद है। सच बोलता है भाई जी, अपू ने कोई पैसा नहीं लिया, छोकरी को नहीं भगाया भाई जी। माना कि तू बहुत शरीफ जान है, तूने पैसा भी नहीं लिया और तेरी बहन ने छोटे की गाड़ी का टायर भी पंचर नहीं किया, पर छोकरी भागी कि नहीं भागी? भागी। किसकी बाड़ी से भागी? आपकी। बाजार में बात फैली कि नहीं फैली? फैली। क्या बात फैली? यही ना कि धनराज की बाड़ी से धनराज की छोकरी धनराज के आदमियों के सामने भाग गई। अब बता अपनी बदनामी हुई कि नहीं हुई, और अपनी बाड़ी का जिम्मेदार कौन है? कौन है? अरे तू है ना? हाँ भाई जी। हाँ, यानी के अपनी बदनामी का जिम्मेदार भी तू है भाई जी। अपुन को सजा दे दो, अपुन की बहन की सजा अपुन को ही दे दो भाई जी। सजा तो जरूर देगा, वरना साली आज एक भागी है कल दूसरी भाग जाएगी, अपना तो धंधा ही चौपट हो जाएगा, सारी बाड़ी खाली हो जाएगी। लेकिन क्या है कि ये साला अपुन का बहुत पुराना आदमी है, इतना छोटा सा था जब मैंने इसे सड़क के गटर से उठाया। ये तो इसके सामने बहन खड़ी है ना, बहन छोटी सी थी उस वक्त, इसकी गोद में थी, बहुत पुराना आदमी है, अपना बच्चा है बच्चा। साला और कोई दूसरा होता तो उसे वो अपनी नई फैक्ट्री, वो बर्फ बनाने वाली फैक्ट्री, उसके फ्रीजर में डाल देता, साला बर्फ का गोला बनकर बाहर निकलता। लेकिन इसके लिए जो सजा सोची है वो भी कमाल की सजा है। उस छोकरी की जगह इसकी बहन को धंधे पे बिठा देते हैं। नहीं 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 भाई जी, सुष्मी अपुन की बहन है भाई जी, अपुन की बहन है। अबे आज तुझे अपनी बहन याद आने लग गई? भूल गया वो दिन जब दूसरों की बहनों को धंधे में बिठाया करता था? अरे छोड़ 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 छोड़, अब उनके धंधे के अंदर रिश्ता नहीं, फायदा सोचा जाता है क्या? भाई जी अपुन को एक चांस दे दो, उन दोनों को कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। अरे वो तो मिल ही जाएंगे, बच कर जाएंगे कहाँ? अपुन ने बोल दिया है अपने उस इंस्पेक्टर डिसूजा को, इंक्वायरी चल रही है, तू अपनी बात कर। बोल आया ना सुष्मी।
दूसरों की बहन से हंस के धंधा करवाया और जब अपनी बहन का टाइम आया तो रो रहा है। अरे हट भाई जी, भाई जी काम करो भाई जी। यस गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या बात है? हम आपके बेटे साजन की तलाश में आए हैं। कहाँ मिल सकता है वो? नालायक मेरे लिए मर चुका है। बुरी औलाद से बे औलाद होना बेहतर है। साजन ने क्या जुर्म किया है इंस्पेक्टर? उसने एक लड़की को किडनैप किया है। किस लड़की को? धनराज की बाड़ी में धंधा करती थी वही बाजारू लड़की। मुझे इसी बात का डर था। हमने उस पर घर के दरवाजे बंद कर दिए और वो गलत रास्ते पे निकल गया। आपका लड़का बहुत बड़े खतरे में सर। उसने लड़की को ले जाने के लिए बहुत से लोगों के साथ झगड़ा किया, धनराज के भाई को मार मार कर बेहाल कर दिया और उसके 3 साथियों को जख्मी करके अस्पताल पहुंचा दिया। क्या साजन धनराज के गुंडों से लड़ गया? जी। उसने धनराज के भाई को मारा और 3 गुंडों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया? जी। ये सब कुछ साजन ने किया? जी। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे अफसर? पुलिस वालों की आदत होती है बात को बड़ा चढ़ा के कहने की। मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है सर। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि वो निकम्मा लड़का इतना जिगर वाला निकलेगा। ये आप क्या कह रहे हैं सर? लड़की को भगा ले जाने पर आप उसकी तारीफ कर रहे हैं? लड़की भगाने पर नहीं, गुंडों की पिटाई करने पर तारीफ कर रहा हूँ उसकी। वजह कितनी भी गलत क्यों ना हो अफसर, काम उसने बहुत शानदार किया। क्यों नहीं, आप जैसे बाप ही औलाद को खराब करते हैं और परेशान होना पड़ता है हम पुलिस वालों को। तुम समझोगे तो नहीं इंस्पेक्टर, मगर फिर भी एक बात तुम्हें बता देता हूं। मैं साजन को फौज में डालना चाहता था ताकि एक दिन वो एक बहादुर सिपाही बने। वो फौज में तो नहीं गया, मगर इस कारनामे से उसने ये साबित कर दिया है कि वो बहादुरी और जांबाजी में किसी से कम नहीं। हाथों में हाथ है।
नशीं, नींद आती नहीं बिन तेरे हम नशीं, नींद आती नहीं। दर्द बेदर्द है, लब्बे का कोई बात है, चांदनी रात है। चलो चलो चलो, चल चल साथ है। एक मिनट एक मिनट, पैसा निकाल, आजा आजा आओ आओ लीजिए, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। अपने आप को संभालो जग्गू, जग्गू भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा, तुमने हमें हमारी बेटी से मिला दिया। यह एहसान मैं तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मगर बेटी तू अब तक थी कहां? हमारी कहानी अब सुन नहीं सकेंगी नानी माँ, वो किसी भयानक सपने से भी ज्यादा भयानक है। क्या मतलब? मैं बताता नानी माँ, बहुत भयानक कहानी है। इतनी नन्नी सी जान, बम्बई जैसा इतना बड़ा शहर, एक अकेली और इतने जिम्मेदारी का काम, सवेरे से लेकर रात तक, रात से लेकर सवेरे तक सर झुकाई बैठी रहती थी। इनको तो सर उठाने का टाइम भी नहीं मिलता था। लेकिन बेटी ऐसा क्या काम करती थी तू? जी वो मैं बताता हूँ नाना जी, ये वहाँ बहुत मुश्किल काम किया करती थी। ये वहाँ दिन गिना करती थी। दिन गिना करती थी? जी हाँ, और दिन गिनना तो बहुत ही मुश्किल काम है। अब आप ही देखिए ना, आज क्या है? शनिवार। शनिवार, मगर अमेरिका में इस वक्त शुक्रवार ही चल रहा है, जबकि न्यूजीलैंड में रविवार का दिन भी निकल आया। एक दिन में तीन तीन दिन, एक दिन में तीन तीन दिन नाना जी, और फिर हर दिन में घंटे, घंटों में मिनट, मिनटों में सेकंड। अब आप ही सोचिए ना, दिन गिनना कितना मुश्किल काम है। हाँ, तभी तो मेरी बच्ची को एक चिट्ठी भेजने का भी समय नहीं मिला। अच्छा भाई, ये बातें तो होती रहेंगी, अब जरा हाथ मुंह धोकर कुछ आराम तो कर लो। आओ बच्चों, मैं तुम्हें घर दिखा दूं। आओ। मैं भी कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ। साजन, तुमने हमें नानी माँ को असली बात बताने क्यों नहीं दी? मरे हुए साथी और गुजरे हुए दिनों को याद करके दुख होता है। तुम इन भोले भाले लोगों को दुख क्यों देना चाहती हो? इनको अपने सुख का हिस्सेदार बनाओ। आजादी का सुख जो तुम्हारी होंठों की मुस्कुराहट में है, जीत का सुख जो अब तुम्हारी आंखों के चमक में है। तुम एक सुख तो गिनना भूल ही गए साजन, तुम्हारे पास होने का सुख जो मेरे दिल की धड़कन में है। क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है? साजन अपनी सजनी को प्रेम कहानी सुना रहा है। हीरो हीरोइन नाक से नाक टकरा रहे हैं। यार मैं अपना सर टकरा लूंगा यार। क्यों भाई क्यों? इस हीरो हीरोइन के चक्कर में हम तीन चक्रम क्या कर रहे हैं यहाँ? अबे इस कहानी में हम लोग करेक्टर रोल कर रहे हैं। वो कैसे? तू नहीं समझेगा यार। देख तेरा जो कैरेक्टर है ना, वो पहले से खराब है। अपने को अभी बहुत काम करने हैं, साजन काजल की शादी करानी। तू क्यों कराएगा शादी? हाँ अबे क्योंकि मैं बड़ा हूँ,
तुझसे बड़े इस घर में मौजूद है यार, अब जो करना है वही करेंगे। साजन बेटे। हाँ जी नाना जी। तुमसे एक जरूरी बात करनी है बेटे। कहानी वो थी जो तुमने मुझे सुनाई थी, दूसरी कहानी तुम्हारी हालत तो बेसरो सामानी मुझे सुना रही है। सिर्फ तन के कपड़ों पर इतना लंबा सफर तय नहीं होता बेटे, मेरी उम्र का तजुर्बा मुझे बता रहा है कि तुम काजल को जहां कहीं से भी लाए हो वो बहुत तकलीफ में थी। अगर आप सुनना चाहें तो मैं सच्चाई बताने के लिए तैयार हूं। नहीं बेटे नहीं, कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं कि जिन पर पर्दा पड़ा रहे तो अच्छा है। बस एक बात मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि तुमने जो काजल का साथ दिया है वो कितने दिनों का है? नाना जी, मैं काजल को जिंदगी भर का साथ देने की कसम खाता हूं। साजन बेटे, आज मेरे मन का बोझ उतर गया है। भगवान तुम दोनों को इतना सुख दे कि दामन छोटा पड़ जाए।
जगने लगी दुनिया हसी लगने लगी छोड़ा माँ सर ने मुझे निकाल दिया था पगले वो गुस्से वाले जरूर हैं मगर तेरे दुश्मन तो नहीं कोई बाप अपने बेटे का दुश्मन थोड़े होता है ले उनसे बात कर वो तेरी मदद करेंगे ले लीजिए माँ मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है जो होना था हो चुका काजल आजाद हो चुकी है और कल हम दोनों शादी कर रहे हैं क्या तू हमारे बगैर शादी करेगा साजन शादी कर रहा हाँ माँ You bloody idiot, डुल्लू के पट्टे क्या हुआ फोन डिस्कनेक्ट कर दिया साजन का फोन कहां से आया था ऑपरेटर ओटी कह रहा था चलिए हम ओटी चलते हैं मैं अपने बेटे को दूल्हा देखना चाहती हूं मैं नहीं जाऊंगा आप उसकी जिद जानते हैं हम चाहे या ना चाहे वो शादी जरूर करेगा फिर आप चाहे या ना चाहे वो आपकी बहू कहलाएगी कलिल सूद की बहू वंदना अगर उसे हमारी जरूरत नहीं है तो फिर हमें भी उसकी जरूरत नहीं है हमें उसकी जरूरत है वो हमारा बेटा है इकलौता बेटा उसके दुख हमारे दुख हैं उसकी खुशियां हमारी खुशियां हैं माँ बाप की हैसियत से उसकी शादी में शरीक होना हमारा फर्ज बनता है बकवास मत करो वंदना एक बागी लड़के के लिए मैं अपने उसूल नहीं तोड़ूंगा तो आप नहीं चलेंगे नहीं मत चलिए बिल्कुल मत चलिए अपने झूठे असूलों और खोखली आन के किले में बंद बैठे रहिए मगर उस तस्वीर को बाहर फेंक दीजिए जिसे आप सुबह शाम देखते रहते हैं वो आपका भांडा फोड़ रहा है कर्नल साहब आप अंदर से टूट चुके हैं आप साजन के प्यार के आगे हार चुके हैं अच्छंग का उसूल है हारने वाला हथियार डाल देता है वंदना आज जिंदगी में पहली बार मैं तुम्हारे आगे कुछ नहीं बोल पा रहा मांग तेरी सजा दूं मैं अजब निया लगा दूं मैं लाल चुनरी ओढ़ा दूं तुझे दुल्हन बना दूं मैं हाथों से तेरा श्रृंगार करूं बाहों में भर के प्यार करूं हाथों से तेरा श्रृंगार करूं बाहों में भर के प्यार करूं रूप में सवार जब है ना दूं तुझे फूलों का गहना कैसा लगता है अच्छा लगता है प्यार का सपना सच्चा लगता है
ये किसकी शादी हो रही है? शादी तो हमेशा दूल्हा और दुल्हन की ही होती है सर। भगवत, ये लड़के तुम्हारा नाम क्या है? जी साजन, मगर हमने कोई जुर्म नहीं किया, हमारी शादी हमारे बड़ों की मर्जी से हो रही है। लड़की का नाम पारो उर्फ काजल है। जी। आप दोनों पुलिस चौकी चलो। लेकिन क्या बात है साहब जी, क्या बच्चों ने कोई खता की है? ये लड़का इस लड़की को भगा के लाया। भगाने वाले लड़कियों को उनके घर नहीं लेके जाते इंस्पेक्टर, घर से दूर लेके जाते हैं। और मैं तो काजल को उसके घर लेके आया हूँ। ये सब हमें नहीं मालूम, बॉम्बे पुलिस की रिपोर्ट है, तुम लोगों ने मारपीट करके इस लड़की को भगा कर यही लेके आए हो। तुम्हें गिरफ्तार करके वही भेजा जाएगा। हवलदार ले चलो इन्हें। गाड़ी से फेंक क्यों दिया? आला आला, मगर किसी को साथ भगा के मत ले जाना। अरे ये छोकरी तो दुल्हन बनी हुई है। ए डसूजा, शादी के मंडप से उठा के लाया क्या? अगर अपन थोड़ा सा लेट हो जाता था ना तो ये दोनों का फेरा हो जाता था। तेरी जात का बुरा किया, बहुत बुरा किया। एक लड़की के दिल का सबसे बड़ा अरमान पूरा नहीं होने दिया, इसकी शादी नहीं होने दी, बहुत बुरा किया। खैर कोई बात नहीं, मैं पूरा करेगा, मैं इसके दिल का सबसे बड़ा अरमान पूरा करेगा, मैं कराएगा इसकी शादी, मैं कराएगा। बोल, तेरे को दुल्हन बनने का बहुत शौक है ना? दुल्हन बनने का बहुत शौक है ना? ए, मैं बनाएगा तेरे को दुल्हन, चल बोल। अरे बोलेगी कैसे, इसके मुंह में तो कपड़ा भरा हुआ है। ए, कपड़ा खोल, कपड़ा खोल, कपड़ा जल्दी जल्दी कपड़ा खोल। दुल्हन बनेगी साली, दुल्हन बनेगी, मैं बनाएगा तेरे को दुल्हन। बोल बोल, किसकी दुल्हन बनेगी? अरे बोल। इसके इसकी दुल्हन बनने का कोई फायदा नहीं, हाथ की मेहंदी सूखने से पहले ही विधवा हो जाएगी। और कोई ढूंढ, और कोई जल्दी से ढूंढ। इस टकलू के बारे में क्या ख्याल है? नहीं जात का, चल इधर को। अरे हट, हाँ बोल, ये मोटा कैसा रहेगा? मोटा देख। चल इधर को। और ये टिंगो, नहीं चल इधर को, इधर को। जग्गो, हाँ ये ठीक रहेगा। साला अपनी बहन का शोक मना रहा है, इसका दुख भी दूर हो जाएगा। और हाँ, भड़ुआ साला भड़ुआ, इसकी जो औलाद पैदा होगी ना वो भी यही धंधा करेगी। और तू एक काम करना, आहिस्ता आहिस्ता मेरे जैसी इतनी बड़ी बाड़ी बना लेना। हा? अरे छोटे, अरे जरा बारात का तो बंदोबस्त कर। और छोटू, बैंड बाजा मत भूलना। और हाँ, पंडित जरूर लेकर आना, नहीं तो इन बहन के टकों के फेरे कौन लगवाएगा? और मंडप लगाएंगे इस बीच चौराहे के अंदर। क्या है कि अपनी लैला मजनू की शादी है ना, सब बाड़ी वालों को देखना मांगता है ना। क्या तुम इसका सचमुच का शादी करा डालेगा भाई जी? क्या धनराज कभी धंधे में मजाक नहीं करता है, इसका शादी होगा और सब बाड़ी का लोग देखेगा। इसकी जात का
इसका शादी होगा एक फड़ुए के साथ और सुहाग रात बनाएंगे एक दर्जन दूल्हे। हाँ, इस व्यक्ति अपने खास खास ग्राहकों को टेलीफोन कर और बोल इधर आने को बोली लगाने के लिए। धनराज, ये क्या पागलपन है? तू क्या समझती है लीला भाई, तुम लोगों की करतूत से मैं पागल नहीं हो रहा हूँ, मैं गुस्से से पागल हो रहा हूँ। ले जाके और दुल्हन की तरह तैयार करके ला, जैसे नामे में घोड़ी को तैयार करके लाते वैसे ही, वरना इस बाड़ी के अंदर इतनी लाशें बिछाऊंगा कि गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। किसी को मार मत डालना भाई जी, नहीं तो मेरे को संभालने को प्रॉब्लम होगा। क्या तेरे को संभालने में प्रॉब्लम होगा? अरे तू क्या संभालेगा मुझे, सारी जिंदगी मैंने संभाला तेरे को। ए, याद निकाल। जा यहां से, बाड़ी से बाहर जा। भाई जी मैं क्या कह रहा हूं? अरे चल फोड़ फोड़ आप उनका बेटा नहीं खराब करने का। जितने भी लोग दरवाजे और खिड़कियों के पास खड़े हैं ध्यान से सुन लो कि धनराज किस तरह भोगने वालों की जबान खींच लेता है और काटने वालों के दांत निकाल लेता है। आज इन दोनों की सजा देखने के बाद कोई भी लोनिया बाड़ी से भागने की हिम्मत नहीं करेगी। छोड़े इस सच्चे आशिक के जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करके अपनी फैक्ट्री के फ्रीजर में डाल दे ताकि इसके पूरे इश्क का गोला बन जाए। चल ले जाए इसे। धनराज मैं आज ये ना इंसाफी नहीं होने दूंगी। धनराज ये दोनों सच्चा प्यार करते हैं, जाने देने इनका शाप मत ले। तूने मुझे इतने धोखे दिए, इतनी बदनामी दी, ये कोठा दिया, तू मुझे मार भी डालेगा ना तो मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन मोहब्बत करने वालों को शाप मत ले, इनकी बदवा मत ले, जाने दे दे। सेक्सी, अब तो इस छोकरी को जाकर दुल्हन मना कर ला, अपना बेटा नहीं आउट करने का, वरना वही होगा जो अभी इधर हुआ है। छोड़े हो तो इस साले जग्गू को दूल्हा बनाकर लेकर आ। चल जा साला, आज तक इस बाड़ी में बारात नहीं आया है। क्या आज एक फड़ुए का बारात आएगा तब सब धनराज को याद करेगा। लेके जा इसे दुल्हन बना के लेकर। चलो पर मार मार साले को मार। ये मजनू की मैयत के बाद तेरी बारात निकालता हूँ। अरे दूल्हा बनेगा दूल्हा, इसके बाद तू दूल्हा बनेगा। Roshmi!
मुझे माफ। साजन के दोस्त हैं। साजन के दोस्त? साजन तो ऊटी में है। साजन ऊटी में नहीं सर, वो तो शादी कर रहा था जब पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया। हमें चलती गाड़ी से फेंक दिया सर, और साजन और काजल को पुलिस ले गई। हम ऊटी पुलिस के पास गए तो पता चला उन्होंने साजन को पकड़ा ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये सर कि धनराज कंपनी पुलिस बनकर आए थे और वो उसे यहाँ लेके आए हैं। धनराज उन्हें मार डालेगा सर, उन्हें बचा लीजिए। वो धनराज की बाड़ी में ही होंगे सर। धनराज की बाड़ी में? उस धनराज की बाड़ी में? हाँ। ठीक है, मगर मैं इस वक्त यूनिफॉर्म में हूँ, कपड़े बदल कर आता हूँ। सर ये यूनिफॉर्म इंसानों की हिफाजत के लिए पहनी जाती है, और इस वक्त दो इंसानों की जान खतरे में है। साजन की जान खतरे में है? Let's go, let's go। छोटा का है? छोटा का है? ए छोटा का है? छोटा छोड़ो।
धनराज को छोड़ दे साजन, वरना लड़की जान से जाएगी। कुत्ते! छोटा कहाँ है? मेरा छोटा भाई कहाँ है? कहाँ है मेरा छोटा भाई? मैं आ गया बच्चे। Yes, sir. तुम राइट, तुम लेफ्ट, तुम उधर जाओ। ओके सर। अरे प्लीज उठिए सर, सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ सर, आप प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए सर, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा सर, सर आप जो बोलेंगे मैं करूंगा सर, सर आई लव यू सर, सर उल्लू के पटे, एक छोटी सी डेढ़ इंच की गोली राजपूताना रेजिमेंट के कर्नल सूद का कुछ नहीं बिगाड़ सकती सर, यस सर,
चल चल आते। कर्नल सूद, इस डिसूजा की तलाश हमें बहुत दिनों से थी। ये नकली पुलिस इंस्पेक्टर धनराज के लिए काम करता था। आज से इस बाड़ी की ये सैकड़ों लड़कियां आजाद हो गई हैं। आपका मतलब है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया? कमिश्नर साहब, मेरे बेटे को सरकारी इनाम मिलना चाहिए। हाँ सर, मैंने जो कुछ भी किया है प्यार की खातिर किया है, और ये प्यार का इनाम मुझे सिर्फ आप दे सकते हैं सर। सर नहीं, नहीं बेटा। डैडी, 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 माँ, क्या हुआ? डैडी, माँ, that's all right. काजल, काजल, go and get her. Yes, sir. मेजर, मिसेस मेजर, आइए डैडी से मिलिए। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है प्यार का सपना, सच्चा लगता है, कैसा लगता है, अच्छा लगता है प्यार का सपना, सच्चा लगता है। तू जो करी बसी है तू, मेरी खुशी है तू, तेरे बिना एक पल मुझे न रहना, कैसा लगता है, अच्छा लगता है।